press the bell icon on the YouTube app and never... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगे पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर और पत्रकार शैला खान को, जिसमें वो बात करेंगी कि नाजिया लाई खान जी की दीपावली कैसी रही और वो बात करेंगी हिंदुओं के हालात पे। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। किसी ने तो आवाज उठाई ना, क्योंकि हिंदुओं को जरूरत है पूरी दुनिया में। हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं, तो हर जगह पर जो है हिंदू कम्युनिटी डिप्राइव्ड है, ये बात सच है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहती हूँ। लेकिन मैम यहाँ पर अगर हम बात करें सोशल मीडिया के कुछ कमेंट, जब भी मैंने और आपने बांग्लादेश से रिलेटेड शो रिकॉर्ड किए हैं, मेरे ख्याल से ये हमारा चौथा या पांचवा शो है एक साथ, तो कमेंट आते हैं कि भारत सरकार अगर हिंदुओं की हेल्प करना चाहती है तो बांग्लादेश को वो एक्सपोर्ट करना बंद करे कमोडिटी। जब इनका दाल पानी रोटी बंद होगी तो इनको खुद ही अकल आएगी कि भाई अगर हम बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो इंडिया जो है उसकी सजा देगा। लेकिन हमारी सरकार क्यों इन्हें एक्सपोर्ट कर रही है कमोडिटी, जिससे इनका पेट भरता है और बदले में ये लाद जो है हिंदुओं को मार रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैं पहले भी कह दूं कि ये वहां पर, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है तो इसलिए उन्होंने ये बात कह दी है, नहीं 2016 में भी ट्रंप ने खड़े होकर के कहा था कि ही इज अ बिग फैन ऑफ हिंदूज। यहाँ तक कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में भी कहा था कि मतलब बहुत खूबसूरत बातें उसमें बताई गई हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कोई नया हिंदुओं के पक्ष में बात नहीं कर रहा, मतलब अटैचमेंट जेन्युइन है, मतलब जेन्युइन है। मैंने कहा ना 2012 जो मैंने उनका 11 या 12 है, और जो मैंने उनका एक हिंदू बच्चे के साथ वो डांस कर रहे थे तो मैंने यस बॉस लिख करके उनका वो शेयर किया था। और उसके बाद 2016 में भी उन्होंने कहा था कि इज अ बिग फैन ऑफ हिंदूज, और उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में भी कहा था। जो न्यू टाइम्स अमेरिका जो न्यूज़पेपर आता है उसमें बहुत मतलब हेडलाइन भी बना था, न्यू टाइम्स अमेरिका एक आता है गुड मॉर्निंग अमेरिका, गुड मॉर्निंग अमेरिका जो सारे अमेरिकन सिटीजन भी पढ़ते हैं, हिंदूज भी पढ़ते हैं, जिसमें मतलब सारे सिविलाइजेशन हिंदुओं के सिविलाइजेशन के आर्टिकल्स भी छपते हैं गुड मॉर्निंग अमेरिका में। तो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट उसमें काफी आते हैं, क्योंकि वो गाहे बगाहे कुछ कुछ वो हिंदुओं के पक्ष में बोलते ही रहते हैं, तो ये कोई मतलब इलेक्शन के लिए नहीं है। अच्छा एक बात उन्होंने बहुत खूबसूरत कही है कि कमला हैरिस और जो बाइडेन के अंडर लीडरशिप में जो अमेरिका में जो लोग जो हिंदूज रह रहे हैं उनके भी फैसिलिटीज को, जो फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए जो नहीं मिली है उनकी भी फैसिलिटीज को वो बहुत बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और आज ही हम लोग बैठ करके, क्योंकि मैं कल लेट नाइट कलकत्ता आई दिल्ली से, तो आज हम लोग ऑफिस में बैठ करके सबको ये कह रहे थे कि हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को अप्रोच करेंगे कि किसी भी तरीके से पाकिस्तानी हिंदुओं को भी हम लोग कैसे एक सुरक्षा दे सकते हैं, कैसे उनकी बात को हम लोग और आगे ग्लोबली लेकर आ सकते हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक साथ मिल करके अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अगर साथ में टेबल पर बैठ करके बात करें तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ रिपरकशन बहुत पॉजिटिव और बहुत खूबसूरत निकलेगा। अब आपके जवाब पर मैं आती हूँ कि आखिर ऐसा क्या है कि उनके हुक्का पानी को क्यों नहीं बंद किया जा रहा है जी। तो देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो है ना वो कट्टर हिंदू है और इंसानियत छोड़ेंगे नहीं, इंसानियत को छोड़ेंगे किसी भी हाल में। अच्छा। छोड़ेंगे नहीं। और किसी का हुक्का पानी बंद करना ये मुसलमान करते हैं, वोट जिहाद करो, लव जिहाद करो, थूक जिहाद करो, मुंह जिहाद करो, उनका उनका हुक्का पानी बंद कर दो, वो ऐसा करे तो उनको मार डालो, वो ऐसा करे तो उनकी बेटियों को माले गनीमत समझ करके नोच लो, उनको लूट लो, उसके घर को लूट लो, बहु बेटियों को लूट लो, ये मुसलमानों का काम। सनातन ये सब नहीं कर सकते। अगर मतलब मेरा अगर झगड़ा भी मेरे पड़ोसी से है और वो हिंदू है तो वो दीपावली में मिठाई देकर जाएगा, भले मैं उसको ईद में शीरखुरमा ना पहुंचाऊं कि गुस्से में हूं मैं कि उसने मुझसे झगड़ा किया है, पर वो मुझे मिठाई देकर के ही जाएगा।
तो सनातन इतने सॉफ्ट क्यों है हिंदू? जैसे आपने आपने अभी बताया कि अगर वो अपने जो है ग्रंथों को पढ़ लें, अपनी जो है स्पिरिचुअल किताबों को पढ़ लें, तो हिंदुओं को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो खुद बाय सेल्फ इतने स्ट्रोंग है कि वो अपने आप को जो है अपने आप का डिफेंस कर सकते हैं। लेकिन फिर ये स्वीटनेस सनातन धर्म के लोगों में कहाँ से आ जाती है? चलिए इसको भी मैं बताने के बाद फिर आपको बताऊंगी कि आखिर क्या वजह है। देखिए हमारे अल कुरान में काफिर को मारने की बात लिखी हुई है और जिहाद की बात भी लिखी हुई है। जिहाद के दो मतलब लिखे हुए हैं हमारे में, एक अपनी गलत फितरतों से जिहाद करो, और एक अगर कोई अल्लाह के कलाम को और प्यारे रसूल को ना माने तो उसका सर तन से जुदा भी कर सकते हैं, ठीक है। पर मुसलमानों ने क्या किया, वो सर तन से जुदा को ज्यादा प्रायोरिटी दिया और अपनी गलतियों को, गलतियों पर जिहाद करने को प्रायोरिटी नहीं दिया। नहीं, तो उसी तरीके से उसी तरीके से जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो उसमें अस्त्र की बात भी है और शस्त्र की बात भी है, मतलब ह्यूमैनिटी और शिक्षा की बात भी है लेकिन वक्त पड़े तो अस्त्र उठाने की बात भी है। पर हिंदुओं ने अडेप्ट क्या किया, उन्होंने ह्यूमैनिटी ज्यादा अडेप्ट किया, शिक्षा ज्यादा अडेप्ट किया, इंसानियत को ज्यादा अडेप्ट किया, उन्होंने ये सब ज्यादा अडेप्ट कर लिया। अब आप देख लो, मैं आपको शुरू से बताती हूँ, कसब ने, अजमल कसब ने 174 लोगों को मारा और मेजॉरिटी हिंदुओं के सामने अजमल कसब को भारत के मुसलमानों ने शहादत का दर्जा देने की जिद पकड़ी और मुसलमान आज भी उसको शहादत का दर्जा देते रहते हैं। याकूब मेमन ने लाखों लोगों को मारा 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में और भारत के मुसलमानों ने याकूब मेमन को शहादत का दर्जा देने का जिद पकड़ा और आज तक वो शहादत ही बोलते रहते हैं। बुरहान वानी ने लाखों कश्मीरी पंडितों को मारा, जम्मू एंड कश्मीर में लाखों कश्मीरी पंडितों की बेटियों को बेआबरू किया, बेइज्जत किया और उसके जब वो मरा, जब उसको शूट किया गया तो मुसलमानों ने रैली निकाली कि हम इसको शहादत का दर्जा देंगे। अच्छा, ठीक है, हिंदू चुप रहे, हिंदू चुप रहे, ठीक है, वक्त गुजरेगा, ये भी सुधर जाएंगे, ये भी सुधर जाएंगे। इंदिरा गांधी ने 1554 लोगों सिख को मारा, 1554 सिखों को उन्होंने सिख का स्लॉटर करवाया। राजीव गांधी ने 5500 तमिल्स का स्लॉटर करवाया। नेहरू और जिन्ना ने 42 लाख हिंदुओं का आजादी के वक्त स्लॉटर करवाया। रावलपिंडी से, आपके पंजाब से, और उसके बाद 1969 की बात कर लेते हैं ना, जब सियालकोट पंजाब में गया, आपके पाकिस्तान के पंजाब में, तो उस वक्त भी तो भारत के मुसलमानों ने वोट करके सियालकोट को आपके पंजाब में अटैच करवा दिया और उस वक्त भी हिंदुओं को मारा काटा मुसलमानों ने, भारत के मुसलमानों ने, कि सियालकोट पंजाब, पंजाब पाकिस्तान को दे दो, सियालकोट दे दो पाकिस्तान को। तो देखिए होता क्या है ना कि भारत में गाली सिर्फ गोडसे को मिलती है क्योंकि उसने गांधी को मारा था, लेकिन ये जितने आतंकी हैं, अजमल कसब है, याकूब मेमन है, यासिन मलिक है, बुरहान वानी है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, नेहरू है, जिन्ना है, इन्होंने जो लाखों करोड़ों हिंदुओं को मार डाला, आज भी इनको भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है, आज भी इनको भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। एंड आई रियली फील थैंक्स गॉडसे का, मैं तो गॉडसे को थैंक यू करती हूँ कि अच्छा हुआ कि उसने ये डिसीजन लिया, अदरवाइज ये नेहरू खुसुर फुसुर करके, फिर इंदिरा गांधी खुसुर फुसुर करके, फिर राजीव गांधी खुसुर फुसुर करके, पता नहीं मोहनदास करमचंद गांधी को बोल करके भारत के और कितने इस्लामिक देश बनवाते हैं ये लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द हाई टाइम अब, लेकिन हिंदुओं को भी चाहिए कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे, और भारत में जितने भी हिंदूज हैं, भारत में जितने भी हिंदुओं को अपने अपने संस्कृति से, अपने अपने देवी देवताओं से मोहब्बत है और अपने हिंदू हिंदू से हिंदू को अगर मोहब्बत है, तो हर कोई बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा होगा, हर कोई बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाएगा, हर कोई बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक आवाज में कहेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री को अब कोई डिसीजन लेना चाहिए, और नहीं हो तो जो लोग बांग्लादेश में यूनुस साहब के साथ हैं वो रहे, हिंदुओं को एक बंगलिस्तान बना करके दे दिया जाए और हमारी इंडियन आर्मी वो हिंदुओं के बंगलिस्तान को बिल्कुल मतलब प्रोटेक्शन दे, और प्रोटेक्शन दे करके उनको साथ में रखे। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने 3 दिन दिवाली मनाई, मैंने धनतेरस मनाया, लेकिन चेहरे पर आप मेरी जितनी भी तस्वीरें देखिएगा, मेरे चेहरे पर एक मायूसी था। मुझे दिल्ली में मेरे एक भाई से मैं मिलने के लिए गई थी ग्रेटर कैलाश में, तो उन्होंने भी मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं फील होता है कि बांग्लादेशी हिंदू जो है वो खुल करके अपने फेस्टिवल को नहीं मना पा रहे,
पाकिस्तान में जो हिंदू है उनको जिस हिसाब से हम मनाते हैं फेस्टिवल्स को वो नहीं मना पाते हैं, तो आंखें भर आती हैं, बुरा लगता है, बुरा फील होता है कि हम ये पटाखे छोड़ रहे हैं, हम मिठाइयां बांट रहे हैं, हम चांदी के सिक्के बांट रहे हैं, हम गिफ्ट्स एक दूसरे में लेन देन कर रहे हैं, घर सजा रहे हैं और नए फर्नीचर्स कुछ लोग मंगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक चोट पहुंचती रहती है अपने पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए। और अभी हालिया में पिछले 4 महीने से जो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके उसको देखने के बाद बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मतलब खुशी जो है ना वो पूर्ण नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। आज मैं जब अपने चैम्बर में, क्योंकि मैं आज ही पहुंची अपने चैम्बर में, तो सब लोग बहुत मतलब उत्तेजित थे कि मैडम आ रही है तो हम लोग सब मिलकर के दिवाली मनाएंगे। पर मुझे देख करके, जब मैंने दिया हाथ में लिया तो मुझे देख करके वो लोग भी मायूस हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि बांग्लादेश से जो मैसेजेस आ रहे हैं और बांग्लादेश से जो दृश्य आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, उसको देख करके मन नहीं कर रहा है कि दिवाली मनाऊं या मिठाइयां खाऊं, लेकिन इंजॉय करूंगी, जरूर करूंगी। तो उनका, बच्चों का दिल रखने के लिए मैंने जरूर किया, पर दिल टूटा हुआ था, आंख में आंसू जरूर था, जुबान में लड़खड़ाहट जरूर थी और पूरा मन नहीं था कि खुशी को सही से मनाए, क्योंकि मेरे ही अपने भाई, मेरे ही अपनी बहनें लूट रही हैं, मेरे अपने हिंदू भाई जल रहे हैं, तो एक तकलीफ तो होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, और यही इसी चीज का नाम जो है ह्यूमैनिटी है। एंड डोनाल्ड ट्रंप की ये जो आवाज है पूरे भारत के अंदर वायरल जा रही है, और ये प्रोग्राम ने साबित कर दिया कि वो किसी पॉलिटिकल एजेंडे के लिए नहीं कर रहे, बल्कि वो हमेशा से हिंदुओं को सपोर्ट करने वाले पर्सनालिटी हैं और बहुत ज़्यादा जो है बोल्ड हैं। और इंडिया का सपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, और जो हिंदू कम्युनिटी इस वक्त अमेरिका में है वो भी अच्छी खासी जो है डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करती नजर आ रही है। एंड इस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने बाकी सबका दिल जीत दिया, क्योंकि ये एक्चुअल मुद्दा है जिसकी वजह से नाजर जी ने कहा कि बोलना चाहिए था भारत से भी, लेकिन बहुत से लोग नहीं बोले हैं। सो नाजर जी तो हमेशा बोलती हैं, बोलती रहेंगी, आपके साथ उनकी राय हम शेयर करते रहेंगे। और हैप्पी दिवाली जिन्होंने मनाई है, जो परदेश में है, जो नहीं मना सके, फैमिली से दूर है, सबको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे नाजिया खान को दे इजाजत, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, जय जय श्री राम। एक बार फिर से बांग्लादेश के मेरे सभी भाई बहन, माँ बाप, जो मेरे अपने हैं, जितने भी, मैं सब हिंदुओं को अपना मानती हूँ, उन सबको, और पाकिस्तान के जो भी थोड़े बहुत बचे हुए हिंदू हैं, उन सबको मेरी तरफ से दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन बहुत नजदीक है कि आप लोग भी हमारी तरह, भारत के हिंदुओं की तरह, आप लोग भी हर एक हिंदुओं का त्यौहार दिल खोल कर मनाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगी, जब तक जिंदा हूँ पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ। हाँ बिल्कुल, और ये देखिए नाजर जी मुसलमान है, शायला खान मुसलमान है, लेकिन हम हिंदुओं के लिए बात कर रहे हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो जब तक ह्यूमैनिटी का साथ देने वाले लोग मौजूद हैं, तब तक हमेशा जुल्म का खात्मा होता रहेगा। और दिवाली का मकसद भी ये कि जुल्म को मिट जाना है और जीत हमेशा जो है सच्चाई की होगी। हम सपोर्ट करेंगे हिंदू कहीं पे भी रहो, बिल्कुल हमारे भाई बहन हैं, और रिलीजन अपना अपना, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए हम हमेशा खड़े हैं। सो थैंक यू, एक बहुत अच्छा पैगाम आपने लास्ट पे दिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने बात की हिंदुओं के बारे में, खासकर वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदू जो बेचारे लाचार हैं, जो चाह के भी अपने त्योहारों को खुल के नहीं बना सकते, जहां पे आपने देखा नाजिया खान उनको लेके काफी ज्यादा इमोशनल रही। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।